नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो हमारे मुंह में जो पीलापन या दांतों में पीलापन आ जाता है, गड्ढा हो जाता है, बदबू आती है मुंह से, पहरिया हो जाता है, इसका क्या उपाय है। घरेलू उपाय भी बताऊँगा और एक च्युइंगम का नाम बताऊँगा जिसको आप खाएँगे तो आपके जो दांतों में गड्ढा हो गया वो भर जाएगा। बहुत से फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मुंह में जो दांत है वो अगर पीले पड़ गए हो और अगर उसमें गड्ढा हो गया हो तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपने मसूड़े जो है उनकी मालिश करनी है। अब मसूड़े मालिश तो आप आसानी से घर में कर सकते हो फ्री फंड, तो मैं कुछ उपाय बता दूंगा। अगर आपके जो है दांतों में कीड़ा हो गया है तो आपको क्या करना है, अगर दांतों में गड्ढा हो गया तो क्या करना है, एक दो लौंग है उसको दबा लीजिए और दबा के आराम से 5 से 10 मिनट तक रहने दीजिए, तो धीरे धीरे जो है आपका कीड़ा जो है वो मर जाएगा। बहुत ही आसान उपाय है दोस्तों। एकदम बढ़िया उपाय बता देता हूँ, अगर आप नीम की जो दतून होती है अगर उसका सुबह सुबह आप जो है मंजन करते हैं तो आपके जो भी जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे, एकदम फ्री फंड का इलाज है। तो नीम का दतून का इस्तेमाल कर लीजिए, सबसे बढ़िया। और जब भी खाना खाएं तो कुल्ला अवश्य कर लें अच्छी से, दांतों में किसी प्रकार का झूठन नहीं होना चाहिए, अच्छी से क्लीन कर लें जब भी आप खाएं, इस बात का ध्यान रखिए। अब जब आपके दांतों में अगर जैसे अगर मसूड़ा अगर उसमें खून आ रहा है या अगर जो है मसूड़ा जो है जो पीला पड़ गया है तो उसके लिए अब मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूँ फटाफट, आप देख लीजिए दोस्तों। तो आपको जो है ये हल्दी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लीजिए और उसको जो है आपको मसलना है, तो हम इसमें मिला देंगे सरसों का तेल इसको इस तरह से, और इसको जो है आपको मसूड़े में मसलना है अच्छे से। तो सुबह शाम 2 टाइम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इससे आपके मसूड़े एकदम जो है मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मसूड़ा अगर आपका स्वस्थ है तो आपके दांतों में कोई प्रकार का रोग नहीं लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक उपाय बता दिया मैंने, इसके अलावा आपको लौंग के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों सेंधा नमक जो उपास का नमक होता है उसको बारीक पीस लें तो इस तरह से हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें हमको क्या करना है, खाली सरसों का तेल डालना है और इसको जो है हमें अच्छे से मिला के अपने मसूड़े में अच्छे से मालिश करनी है। बस इतना ही करना आपको, अच्छे से मालिश कर लें मसूड़े की और उसके बाद जो है इसको छोड़ दें। जो भी मैं आपको जो है बता रहा हूँ इसको करने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक के मुंह कुल्ला उल्ला नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये इसको आप अच्छे से जो कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। एक और उपाय बता देता हूँ दोस्तों, फिटकरी होती है तो फिटकरी को आपको क्या करना है, इसका पाउडर करना है, पाउडर करके इसको मंजन की तरह उंगली से मंजन की तरह करना है। तो कोई भी एक कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। एक उपाय और भी बता देता हूँ, पीपल का पौधा हम सभी लोगों ने देखा हुआ है तो क्या करें, पीपल के पौधे के पास जाएं एक चाकू लेके और उसको हल्का सा तने को काटें तो उसमें से दूध निकलेगा। तो कॉटन जो होता है उसको दूध में डुबोना है और जहाँ आपके दांत में गड्ढा हो गया, जहाँ कीड़ा आ गया वहाँ पर रख दीजिए, उसको दबा के छोड़ दीजिए। 5-10 मिनट तक आपको कुछ बोलना नहीं है, उसके बाद आप कॉटन को निकाल दीजिए, आपका कीड़े वीड़ा सब निकल जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको मैं और बताऊंगा कि जो है किस तरह से दांतों में समस्या आती है तो क्या क्या करना है, और उस च्युइंगम के नाम को मैं आपको बताऊंगा, फ्लैश करूंगा। दोस्तों दांतों में कीड़े लगने की समस्या तब होती है जब जड़ों में लंबे समय तक खाने के अवशेष जमा रहते हैं। ये कीड़े दो दांतों के बीच मसूड़े के पास और उनकी जड़ों में लगते हैं। दांतों में कनकनाहट की समस्या बढ़ जाती है तब क्या करें, सर्द हवा के कारण यह समस्या बढ़ जाती है। दांतों में कीड़े लगने के कारण खोखला हो जाता है और कनकनाहट होती है। ऐसी स्थिति में घर के इलाज से अगर फायदा ना हो रहा हो तो आप डॉक्टर से संपर्क कर लें। दांतों से खून आ रहा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पायरिया के लक्षण है, दांतों को एक बार सफाई कराना होगा, इससे ये बीमारी दूर होगी। दांतों की सफाई हर 6 महीने में डॉक्टर से करवानी चाहिए। अगर मुंह से बदबू आ रही है तो समझिए कि पायरिया के लक्षण है ये, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दांत सड़ गया है तो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिना देखे हुए कुछ भी नहीं कह सकते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखा दें, वो आपको बता देंगे।
दांतों को साफ करने के लिए दिन में दो बार ब्रश कर ले, सुबह और रात को सोने से पहले। इससे दांत साफ रहेंगे और मजबूत भी रहेंगे। खाने में विशेष ध्यान रखें, गुटखा जैसी चीजें ना खाएं, ये जो है आपके दांत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा खान पान में भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ज्यादा ठंडी चीजें और ज्यादा गर्म चीजें एक साथ ना खाएं। पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का सेवन ना करें, नहीं तो इससे दांतों की जो चमक है वो समाप्त हो जाती है, जड़ें भी कमजोर होने लगती हैं। दांतों का पीलापन अगर हो गया है, इसका मतलब ये है कि आप तंबाकू, शराब, गुटखा आदि का सेवन कर रहे हैं या फिर अपने दांतों की बराबर सफाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे से मसूड़ी की मालिश करना ना भूलें। अब मैं आपको उस च्युइंगम का नाम बताता हूँ, जाइली टोल गम। इसको आपको खाना खाने के बाद चबाना है, पहले अच्छे से मुंह साफ कर ले, फिर उसको चबाना है आराम से। इससे धीरे धीरे आपके दांत के अंदर में जो गड्ढा है वो फिलिंग हो जाएगी, दांत बिल्कुल सुंदर दिखने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।